हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनाक्षीज लाइफस्टाइल। और आज हम बहुत खुश, मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि हम इतना सारा सामान लेके कहीं तो जा रहे हैं। कंटिन्यू ऑन कमांड बैग तक मेरे पास में है। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं बताऊंगी थोड़ी देर में, बट इससे पहले पैकिंग मैं इतना ज़्यादा शूट कर नहीं पाई, बहुत ज़्यादा नहीं किया है मैंने क्योंकि इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी पैक किया और टाइम ही नहीं मिला, मतलब फट पैक कर लिया, ऐसा बहुत सारी थी तो जल्दी पैक हो गया ऐसा था, तो इसलिए वो शूट नहीं हुआ है वो सारी चीज़ें। बट या कहाँ जा रहे हैं वो एयरपोर्ट पहुँच के बताएंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर एंड वहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट क्योंकि हमें अपने प्लांट्स छोड़ने हैं वहाँ। तो मिलते हैं फिर एयरपोर्ट पे और फिर बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? यस आई एम। सो वी आर इन अ कैब एंड गोइंग टू एयरपोर्ट और ये है हमारा सामान पूरा पीछे। हमेशा आधे घंटे में पहुंचते थे, इस बार दो घंटे लग रहे हैं, इस तो टू आवर्स। This was our Uber and we are flying with Delta. So ये है हमारा सामान, चलो अब इसको लगाते हैं ठिकाने। और ये हम लोग पहुँच गए हैं डिपार्चर लेवल, तो अंदर घुसते हैं पहले बोर्डिंग पास वगैरह सब लेते हैं और फिर उसका चलते हैं। वी आर इन चेक इन लाइन नाउ, चेक इन हो रहा है। वी आर ऑन टाइम, जल्दी करके भी ढाई घंटे आ ही गए हैं। हाफ आवर है ना, तो क्रू पूरा जा रहा है। देख वाओ, मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। जॉब हाँ, यूनिफॉर्म है ना, सीधा मेकअप करना मुझे नहीं पसंद, बट सीधा ना, चाहे कोई लाइन नहीं कुछ नहीं, सीधे निकल जाते हैं, एंड में आते हैं सबसे आखिरी में और घुस जाते हैं बस। टोटल इज द अटलांटा का एयरपोर्ट। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आई हूँ, बट ऐसा है कि मैं यहाँ से पहली बार जा रही हूँ। सो हम लोग हैं कि एफ पे और ई पे जाने के लिए हमको चाहिए, हमको लेनी पड़ेगी ट्रेन। तो आवाज़ से लग रहा है ट्रेन आने वाली है। दिस इज़ द ट्रेन स्टेशन इन विद इन एयरपोर्ट। ऐसा जैसे ये ट्रेन आई है ऐसी ही रहेगी ना, ये आ गई। ये रहा गेट एंड वेलकम। ब्यूटिफुल वॉच, ये ऊपर ना एकदम गियर वाली वॉच है। ये बार है बीच, एकदम सेंटर में बार है और बाकी सारा खाने पीने का सब अलग है। पिज्ज़ा, पांडा एक्सप्रेस, पांडा एक्सप्रेस भी है। हमारा सारा कुछ हो गया है, अभी हम लोग पांडा एक्सप्रेस से बस चाउमीन खा रहे थे। अभी हम जा रहे हैं गेट की तरफ एंड चेक इन कर, आई मीन वहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट में भी हो गई होगी, तो लेट्स गो देयर। वाओ ना, ये क्या है, बैग्स हैं, गेम्स हैं, कुछ गेम्स हैं, नहीं नहीं गेम्स हैं, बॉक्स गेम्स शायद। दिस इज यूथ आर्ट, ये बच्चों ने किसी ने बनाया होगा या हम लोगों ने, या तो दीज आर आर बोर्डिंग पासेस। और पासपोर्ट को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं इंडिया, मतलब ये बोलने के लिए मैं तरस गई थी। इट वाज लाइक थ्री इयर्स, आफ्टर थ्री इयर्स वी आर गोइंग, सो ऑसम। यस, हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग ग्रेट, इट्स गोइंग टू बी ऑसम ट्रिप। या वन मंथ
सो इट्स गोना बी एक्साइटिंग. बहुत सारे प्लान्स हैं और बहुत सारा कुछ रहेगा, तो मज़ा आने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड. ये है हमारी फ्लाइट, तो अभी बोर्डिंग थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है. अभी कुछ कुछ लास्ट प्रोसेस हो रहा होगा शायद. और मुझे दिख रहा है कि कॉकपिट में लोग पायलट लोग बैठे हैं अभी. ऐसा इट वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग. दिस इज़ आवर फर्स्ट फ्लाइट. यहाँ इससे हम लोग जाएंगे एम्स्टर्डम एंड नेक्स्ट वहाँ से रहेगी. सो क्वाइट एक्साइटिंग जर्नी. प्लेन का केबिन क्रू आया, ये है ना, क्रू आ गया है भाई. आई फॉरगॉट टू मेंशन कि ये हमारी दोनों की एक साथ एक पहली फ्लाइट है. सो देखते हैं इस बार क्या मजा आने वाला है. ओके भाई, बोर्डिंग फाइनली, वी आर गोइंग इन. बहुत टाइम लगा एक्चुअली, ये फ्लाइट डिले हो गई थी. सो नाउ वी आर गोइंग इन. सो भाई हम आ गए अपनी सीट पे. सो फाइनली वी आर सेटल डाउन. और अभी हम लोग क्योंकि सबसे फर्स्ट नंबर पे थे तो हम लोग जल्दी आ गए. तो लोग अभी आ रहे हैं. एंड 8:30 का हो गया है. पहले ये 8:05 की फ्लाइट थी, अब 8:30 की हो गई है. सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज 3 साल बाद जा रहे हैं हम लोग. और मैं तो शादी करके आई थी और उसके मेरी तो विदाई हुई थी बस सीधा, उसके बाद गई, अब जा रही हूँ वैसा. सो ऑल आर एक्साइटेड इन इंडिया एंड दे आर प्लानिंग एंड एवरीथिंग. एंड हम लोग तो हैं ही डबल एक्साइटेड, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है. सो वी गॉट आर एयरफोन्स एंड दिस ट्रैवल किट. बेसिकली आई मास्क है उसमें. और ये अब देखेंगे मूवी. फ्री का टाइम मिला है ना, कि जब कुछ करना नहीं है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, वैसा वाला. मतलब वाह यार, मेरे को तो सच में बड़ा मज़ा आता है ऐसे ऐसा टाइम में, कि जहाँ तक कोई रोकने टोकने वाला नहीं है. मस्त मजे से टीवी देखो, जो देखना है करो, वो करना है करो. हम लोग मूवी देख रहे हैं एडम फैमिली. और हम लोगों ने क्या किया है कि हम सेम लग कर दिया है सेम टाइम पे, जिससे कि लगे कि हाँ एक साथ सेम चीज़ देख रहे हैं. एम्स्टर्डम. और हम लोग भाग रहे हैं अभी क्योंकि हम लोग का फ्लाइट बहुत ही अभी एक ही घंटे में. और अच्छा है, काफ़ी गैप है. बहुत सारे शो से पीछे निकल गए कुछ कुछ ऐसे. हमें जाना है D10 पे और D1 से 57 है एटलीस्ट. ये अच्छा है कि 1 से स्टार्ट है. यहाँ पे 59 टू 87 है उधर डी. अच्छा गॉड. अब पहुँचते हैं पहले और फिर उसके बाद मिलते हैं. सो वी आर एट द डेस्टिनेशन गाइस, D10 फाइनली.
भागते भागते आ गए। पर यहाँ पे बड़ा अजीब सा है, अटलांटा में बहुत सिस्टमेटिक ये चीज़ है, यहाँ पे बहुत ही अजीब सा है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब ये फ्लाइट भी पैक होने वाली है, डेफिनेटली हमारे बगल में कोई ना कोई होगा ही। बट ये अच्छा है कि हम लोग के पास पहले से बोर्डिंग पास था, सो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ वेट करना है बस बोर्डिंग के लिए। और बोर्डिंग स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट, और एक बैग हमारा मर गया है और बाकी एक से काम चल रहा है। दिस इज द बोर्डिंग फॉर नेक्स्ट फ्लाइट, और अब सीधे इंडिया। फाइनली इन इंडिया, और आते आते हमारा बैग भी टूट गया। कहने को स्काई बैग है, बकवास ही है सब। हाउ आर यू फीलिंग मिस्टर शर्मा आफ्टर 3 इयर्स? 3 इयर्स ऑफ वेट एंड फाइनली अराइव्ड। ब्यूटिफुल वॉरेन द न्यू मुंबई एयरपोर्ट, बहुत प्यारा बनाया है यार, ये पहले नहीं था, दिस इज नाउ अपग्रेडेड। हाँ, 3 साल हो गए हैं तो कुछ तो नया हो गया, बट ऑसम हो गया। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर द बैग टू कम, एक भी नहीं है अभी तो, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है।